अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कर पति की लंबी उम्र की कामना की। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल निराहार रहकर रात में चांद निकलने पर उसके दर्शन कर अर्घ्य लगाया। चंद्र दर्शन के बाद चौथ माता की कथा का श्रवण कर पति के हाथ से पानी पीकर अन्न ग्रहण किया। चांद को देखने के लिए महिलाएं रात 8 बजे से ही छतों पर पहुंच गई थी। रात्रि को चंद्रमा के निकलने के इंतजार में बैठी सुहागिन महिलाओं को जैसे ही आसमान में चांद का दीदार हुआ, हर ओर छतों पर महिलाएं पति के साथ नजर आई। पूजन के दौरान मिट्टी से बने करवे से चांद को अर्घ्य दिए गए। अर्घ्य के बाद छलनी में पति का मुंह देखकर उन्हीं के हाथ से पानी ग्रहण किया। सुहागिनों ने चौथ माता की तस्वीर को सफेद पुष्प, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, श्रीफल, सिंदूर से पूजन अर्चन कर दीपक से आरती की। चतुर्थी का व्रत होने से सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना की गई। जिनके पति दूर थे उन्होंने मोबाइल पर पति से बात कर पानी पिया। आधुनिक युग में अब पतियों ने भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है? आज करवा चौथ के पावन पर्व पर सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा निकलता है उसके बाद उसको अर्घ देकर फिर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके पूजन करके फिर अपना व्रत खोलती है। प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत किया जाता है। क्या नाम है आपका? दिव्या दीपांशु शर्मा। और आपका? गीता। ये आज का जो करवा चौथ का व्रत है ये क्यों मनाया जाता है? करवा चतुर्थी का व्रत सुहागन और अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। सुबह से सुहागन औरतें दिन भर कुछ नहीं खाती, शाम को चंद्रमा का उदय होने के बाद ही अपने पति से पूजा जा करके अपने पति के हाथी के पानी वानी पीती करती है। इसका यही महत्व है लंबी आयु के लिए। क्या नाम है आपका? संगीता शर्मा। और आपका? दिव्या शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।